वेलकम टू डॉल हाउस डिलाइट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और अभी बजे हैं शाम के 5:30 और आज छुट्टी है तो वीकेंड का मूड है सबका। और इतनी गर्मी बढ़ गई है थाना में और मुंबई में, ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है, थोड़ी सी बारिश हो रही है और क्लाउडी सा वेदर हो गया है, इसके लिए ज़्यादा घुटन हो रही है। तो हमने सोचा चलो गार्डन की खुली हवा खा के आते हैं। तो मैं और जयेश तो गार्डन जा ही रहे हैं, पर और भी कोई साथ आ रहा है तो मैं आपको उनसे बाद में मिलाऊंगी। तो चले गार्डन। तो ये हमारी वानर सेना। गाइस कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गार्डन गार्डन ये तो दिन में अभी खेल के गया। ये हम लोग वॉक करके जा रहे हैं गार्डन की तरफ। हाय, मीट माय फ्रेंड रीना। ये मेरी फ्रेंड रीना है। हेलो। और हम लोगों की बहुत जोड़ी बनती है क्योंकि हमारी बच्चों की वजह से, हमारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं 6th स्टैंडर्ड में। तो आज हमने सोचा चलो बच्चों को घुमाने लाते हैं ना। रीना घर में बैठ बैठ के भी कितनी घुटनसी होती है ना। हाँ, फिर भी अभी हवा चल रही है, थोड़ा फ्रेश लग रहा है ना। आरो इनका छोटा बेटा है तो आरो भी बहुत मस्ती करेगा। पहुँच गए हम गार्डन। यह है थाना का श्रीनिवास खले उद्यान, संगीत उद्यान नाम दिया है इसको। यहाँ ना आते ही आरव को बलून वाला दिखा तो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और बलून की जिद पकड़ के बैठ गया। और वैसे भी यहाँ बलून वगैरह बेचने के लिए होते नहीं, पर क्योंकि वीकेंड में भीड़ रहती है ना, इसके लिए बलून वाले और कॉटन कैंडी वाले बहुत घूम रहे हैं। रंग बिरंगी बलून्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना सच में। आरव की जिद पूरी हुई, उसको ग्रीन ही बलून चाहिए था। हमारे 20 रुपये हवा हो गए। अब भी बलून 2 मिनट से, कितने मिनट हुए नहीं ना? बोला 5 मिनट भी नहीं हुए, 2 मिनट भी नहीं हुए, 1 मिनट भी नहीं हुआ, हमारे ऐसे ही हवा हो गए। बोलो। और आरव रोने लगा। आरव रो रहा है। छोटू का नाम क्या है? आरो बलून क्या हुआ? आरो नहीं रोते नहीं अभी है ना, अभी बस ये रो रहा है। घास है ना, घास में बार बार फूटेगा बेटा। आरो का बलून फूट गया। इन तीनों बड़े लड़कों की यही चाहिए था, वो हंस रहे हैं उस पर और चिढ़ा रहे हैं उसको। ये एक लुक लीजिए गार्डन पे, इतनी भीड़ तो नहीं रहती। मैंने बोला इतनी भीड़ तो नहीं रहती यहाँ पे, पर आज सैटरडे है करके थोड़ा भीड़ ज्यादा है ना। देखो घास में बच्चे कैसे। जयेश आ रहा है दौड़ के। हरियाली देखकर सच में हमारे सेंसेस इतने खुश और फ्रेश हो जाते हैं ना, वो ताजगी बिल्कुल अलग ही है। यहाँ जगह जगह पर ये खरगोश खड़े किए हैं, ये डस्टबिन्स है एक्चुअली, लेकिन कितनी ब्यूटीफुल है ना। आज ना बच्चों का ओपन हाउस था तो जयेश ने तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं, तो मार से बच गया, वरना मार पड़ती थी। और ईशू के ये है, इसका नाम है ईशू। हाय। और इसके तो भाई अच्छे आए तो ये, और इसका एचपी 820 है। तुझे मार मिली मम्मी की? नहीं। और ये विराज है, विराज भी जयेश का फ्रेंड ही है, तो इनकी टोली हमेशा जमी रहती है और मुझे और मेरी फ्रेंड को बात करने का मौका भी नहीं देते ये लोग, क्योंकि इन पर चिल्लाने में हमारी पूरी एनर्जी और टाइम इन पर ही जाता है ना। सबसे ज़्यादा आ रहा हूँ। वानर सेना की फुल ऑन मस्ती चालू है। मेरी सोच भी वही है कि एक दो खिलौने कम मिले, दो गेम्स कम मिले तो भी चलेगा, लेकिन ये नेचर में खेलने का मौका बच्चों को मिलना ही चाहिए। और बड़े बड़े सिटीज़ में ये थोड़ा थोड़ा अभी कम होता जा रहा है। क्योंकि ये संगीत उद्यान है, यहाँ ये चित्र बनाए दीवारों पर और डेकोरेट किया है। मिस्टर कल लकड़ा तो तोड़ ला।
गार्डन के बिल्कुल बाजू में ही साइड में ही ये उपवन लेक है जो कि थाना का बिल्कुल मशहूर लेक है। सैटरडे संडे वीकेंड में यहाँ बोटिंग भी अवेलेबल है। हम ऐसी बातें बातें कर रहे थे लेकिन वो बलून वाला वो बेचने वाला भी एक छोटा सा ही लड़का था तो उसको पता था कि ये छोटा लड़का आ रहा है और ज़िद करके बलून मांगेगा तो हमारे आसपास ही घूम के और कोशिश कर रहा था बलून सेल करने की। मैंने कहीं पढ़ा था इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधों में सचमुच की छोटी छोटी परियां और एंजल्स रहते हैं। काश कि ये बात सच हो। एक्सरसाइज में लग गए। हाँ यहाँ पे सब एक्सरसाइज के भी सामान हैं। मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ। हाँ मैं भी करूँगी। आ रहा हूँ महाराज भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। मैं भी जब भी गार्डन आती हूँ थोड़ा बहुत हाथ चला ही लेती हूँ। एक्चुअली ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए पर कभी कभार ही होता है। रीना जी लगे हुए हैं एक्सरसाइज करने में। गुड हैबिट है ना। हाँ गुड हैबिट। हाँ लेकिन डेली करना पड़ेगा, एक दिन से कुछ नहीं होगा। मैं भी सोच रही हूँ सीरियसली कुछ करूँ। ये एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत कर तो रही थी पर इस एक्सरसाइज से मेरी पीठ को तकलीफ हो रही थी तो मैंने ज़्यादा नहीं किया। उस दिन से मेरी पीठ में प्रॉब्लम चल ही रहा है। क्या कर रहा है बेटा? क्या कर रहा है? सभी लेडीज लोगों को बोलना चाहूंगी कि अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के फ्रेश हुआ करें बीच बीच में ही सही। 1 2 1 2 1 2 हमारे पास आ गया है न्यू गाय बेस्ट फ्रेंड मिल गया और एक फ्रेंड मिल गया। अल्लू मिल गया। खेलते खेलते और पीछे आरो भी चाहिए फोटो में। आरो भी चाहिए फोटो में। अच्छा कैसा लगा? मजा आया ना? एंजॉय किया ना? मस्त। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ऐसा पिकनिक लेके आएंगे ना, जरूर है ना। मतलब ऐसे घर से कुछ ऐसा बना के स्नैक्स बना के ऐसे बिछा के और बच्चों को साथ में सब बच्चों को फेवरेट चालू पिकनिक मनाएंगे कुछ ऐसा। खाने का नहीं है क्या? टेस्ट मैं आरो को एक आंटी ने बिस्किट दिया है। कितना हैप्पी हो गया। चलो तो आज की गार्डन विजिट हमने बहुत एंजॉय की और मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में। देखो लाइट भी जल गई, अंधेरा हो रहा है। हाँ तो अभी थोड़ी देर में हम घर जाएंगे। क्या बनाओगे आज का? आज का मेरा दोपहर का बहुत सारा खाना बचा है, स्नैक्स जैसा हल्का फुल्का कुछ पोहे। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। देखो बेटा भी बोल रहा था और सबको बोलो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अच्छे वीडियो देखने के लिए। हाँ है ना। चल चढ़ और विराज तू भी चढ़। देखना इसको नाच रहा है।